हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बड़ा कांजी। एक होती है गाजर की, जो हम पहले ही बना चुके हैं, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट आज हम बनाएंगे कांजी बड़ा, और ये बहुत ही सिंपल है और क्विक रेसिपी है। और आप इसको एक बार बना के रख लीजिए, उसके बाद आराम से होली पर एंजॉय कीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने आप लेंगे और खाएंगे, या आप इसको अच्छे से स्टोर कर 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे बाहर भी रखेंगे तो भी ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए बनाते हैं हम कांजी बड़ा। सबसे पहले हमें लेनी है इसके लिए आधी कप मूंग की धुली दाल और आधी कप उड़द की धुली दाल, मीनिंग हमें सेम क्वांटिटी में दोनों दालें लेनी है। उसके बाद हमें इसको करना है अच्छे से वॉश 2 से 3 बार या 4 बार, बिल्कुल जो पानी है वो क्लीन हो जाना चाहिए। ये देखिए, अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, ये वॉश हो गई है। और अब हम इसको ढककर पूरी रात के लिए रख देंगे। पूरी रात ढकने के बाद ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गई है, भीग चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमने इसका। और उसके बाद हम ले लेते हैं एक खाली बाउल, जिसके अंदर हम इसका फाइन पेस्ट कर लेंगे। सारा आपको एक बार में कर लेना है, जितनी भी आपने दाल पीसी है। और उसके बाद इतनी देर में हम इसको फेंटते हैं, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम एक कढ़ाई रखते हैं खाली और उसके अंदर डाल देते हैं रिफाइंड। जितनी देर में रिफाइंड हमारा गर्म होगा, उतनी देर में जो दाल है वो हमें अच्छे से मिक्स करनी है, तो हमारे काम दोनों ही बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर हम पहले दाल फेंटेंगे उसके बाद चिकनाई गर्म करेंगे तो टाइम डबल लगेगा। तो इसलिए अब हम एक साइड पर रख देते हैं चिकनाई गर्म होने, और दूसरी साइड पर अब हम करते हैं दाल को अच्छे से मिक्स। ये रही पीसी हुई दाल, और इसके अंदर हम डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा। इससे जो दाल है वो अच्छे से फूल जाएगी और जो पकौड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये हमने इसके अंदर डाल दी, और अब हमें करना है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स। ये देखिए, इसको जितना आप फेंटेंगे उतनी जो पकौड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, और हमें सॉफ्ट पकौड़ियाँ ही चाहिए कांजी के लिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हमने चिकनाई गर्म होने रख दी, जैसे कि हमारा फटाफट से दोनों काम हो जाए। इसको आप अच्छे से फेंटिए, बिल्कुल ये बहुत ही हल्की हो जाती है, इसमें बहुत ही एयर जो है वो चली जाती है, जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं उस टाइप से। और अगर आपको चेक करना हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो आप एक खाली कटोरी लीजिए और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप डालिए। अगर ये फ्लोट करती है, मीनिंग ये डूबती नहीं है, नीचे बैठती नहीं है, ऊपर तैर जाती है, तो इसका मीनिंग जो दाल है, जो दाल की पिट्टी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है पकौड़ी बनाने के लिए। बट मुझे ऐसे ही पता लग रहा है कि मुझे कितना करना है, उस हिसाब से मैं बना लूँगी। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से मिक्स करिए, जितनी ये दाल है उसको जितना आप मिक्स करेंगे पकौड़ी उतनी ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम चेक कर लेते हैं एक बार चिकनाई, चिकनाई भी हो चुकी है गर्म। तो अब टाइम है इसके अंदर पकौड़ी बनाने का। तो एक एक करके ही देखिए, चिकनाई बिल्कुल गर्म हो गई है, और उसके बाद अब हम एक एक करके सारी पकौड़ियाँ इसके अंदर डालते हैं। और इसको सिम गैस पर बनाना है, जिससे जो पकौड़ी है वो अंदर तक सिक जाए, क्योंकि कांजी जो है वो 6 से 7 दिन के बाद ही अच्छे से बनती है, और ये चलती भी काफ़ी टाइम है। तो इसलिए इसको सिम गैस पर बनाएंगे तो जो पकौड़ी है वो अच्छे टाइम तक चल जाती है, अदरवाइज इसमें फंगस लग जाती है और कांजी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको सिम गैस पर बनाएं, बिल्कुल सिम गैस पर, और जब तक ये क्रंची ना हो जाए तब तक आप इसको सेकिए। बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट बिल्कुल नहीं करना। पकौड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट टेस्ट के आगे इतना तो बनता है। तो ये देखिए, हम एक एक करके सारी पकौड़ियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, अब हम इसको एक बार चला देते हैं, पकौड़ियाँ चिपकनी नहीं चाहिए। अगर कोई पकौड़ी चिपक गई है तो आप इसको पानी की हेल्प से हटा दीजिए, कट कर दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल एक भी पकौड़ी चिपकी नहीं है। इतनी देर में पकौड़ियाँ क्रिस्पी होती हैं, क्रंची होती हैं। हम बना लेते हैं कांजी का पानी। उसके लिए हमें लेना है एक भगोने में पानी, और ये ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म। मैंने इसको बहुत हल्का गुनगुना करा है,
और इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई राई। ये मैंने राई पीस ली है और हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच। अगर पानी की क्वांटिटी मीनिंग कांजी आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसमें राई की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, और अगर आपको जल्दी बनानी है तो भी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, बट अगर आप इसको 3 से 4 दिन में आराम से बनाते हैं तो राई की क्वांटिटी थोड़ी सी कम। ये मैंने 3 चम्मच राई ली है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ, और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी क्योंकि खटाई में नमक थोड़ा कम ही लगता है, इसलिए हमने इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डाला है। और उसके बाद अब हम इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए कांजी का जो पानी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतनी देर में हमने पानी रेडी करा है, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसको ढक देते हैं और कांजी बड़े को ये देखिए, ये भी बिल्कुल डन तो नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट डन है। अभी हमें ये देखिए ये वाइट है, अभी बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं है, हमें उसके अंदर डालना है डार्क गोल्डन ब्राउन, जिससे कि वो टाइम लेगा बट वो सॉफ्ट होने में, बट बनेगा बहुत ही टेस्टी। ये देखिए ये जले नहीं है, ये मैंने जानबूझकर डार्क गोल्डन ब्राउन करे हैं। अब ये बिल्कुल डन है कांजी के पानी में डालने के लिए। तो ये देखिए इधर से निकालिए एक साइड से और दूसरी साइड, ये देखिए इस तरह से हमें डार्क करना है। और अब हम इसको डाल देंगे कांजी के पानी में गरम गरम, ये देखिए इस तरह से। तो ये सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं और इस तरह से हमारी जो कांजी है वो हो चुकी है रेडी। तो आज की रेसिपी बहुत ही इजी है, क्विक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम कर लेते हैं इसको सर्व, ये देखिए। और लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी बूंदी। बूंदी डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बूंदी डालेंगे तो जब आप सर्व कर लें उसके बाद ही डालिएगा, अदरवाइज आप कांजी जब बनाएंगे उस टाइम पर डालेंगे तो जो बूंदी है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी, हलवा बिल्कुल बेकार। तो आप ऐसा मत करिए, अगर आपको डालनी है तो जब आप सर्व करें पीने लगें तब ही डालिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी कांजी हो चुकी है रेडी। आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय कांजी पड़ा, सिंपल एंड क्विक रेसिपी। एंजॉय।